हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं सपना एक न्यू वीडियो के साथ। तो स्वागत करते हैं मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में आप सभी को। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। सबसे पहले उठकर पहले बाहर जा रहे हैं और बाहर का दरवाज़ा अच्छे से खोल देते हैं, पूरा फाटक, और 4 बजे ही उठ जाते हैं। ये तो मैंने हमेशा बताया है, लेकिन ये जो जीवन है हमारा, जो कभी कभी लेट भी होता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ डेली 4 बजे ही उठ जाते हैं भाई। तो सबसे पहले उठकर बाहर का दरवाज़ा खोल लिया है और फिर लाइट वगैरह सभी घर में जला दिए हैं। और अभी हस्बैंड जी गए हैं टहलने, तब तक इस रूम में तो कोई है नहीं, तो इसे अच्छे से झाड़ देते हैं। मच्छरदानी को खोल के अच्छे से सेट कर दिया है और अच्छे से मैंने यहाँ पर झाड़ उड़ देंगे बिछौने को। और अभी नहीं है तो थोड़ा साफ़ सुथरा अच्छे से कर दे रहे हैं, नहीं तो रहते हैं तो सुबह सुबह साफ़ ही नहीं करती हूँ, इतना क्लियरली नहीं करती। इसके बाद फिर आराम से दोपहर में करती रहती हूँ, झोली झाली ज़्यादा और साफ़ करती हूँ। वैसे तो आज शुक्रवार है तो सोचा कि झोली वगैरह भी झाड़ देते हैं, क्योंकि शनिवार कल हो जाएगा तो शनिवार के दिन झोली झाली नहीं हम लोग झाड़ते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट है रसोई रूम का, यहाँ पर अगल बगल मकड़ा ज़रूर रह जाता, पीलू काना जो छोटे छोटा जो फतंगी आ जाते हैं ना, तो मरमर के सड़ जाते हैं वहाँ पर, तो उसी को अच्छे से झाड़ दिया है। और इसके बाद सारे घर का झाड़ू दे दिए, सारे घर में झाड़ू दे दिए हैं। तो और अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला सभी को अच्छे से झाड़ दिया है, जाली निकाल दिए हैं। और देखिए कितना कूड़ा करकट, मतलब रोज़ झाड़ू दो फिर भी पता नहीं कहाँ से मतलब आ जाएगा ना गंदगी, पता नहीं चलेगा। तो रोज़ झाड़ू दो या फिर नहीं दो, फिर भी इतना निकलेगा ही कूड़ा। इसके बाद बाल्टी मैंने पानी डाल दिया है और इसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े धोने। तो सारे कपड़े तो मेरे धुल गए हैं, लास्ट में ये बचा है, ये है गुड़पोछना, जो कि हम लोग पायदान भी बोलते हैं। इसके बाद सारे कपड़े को धोकर मैंने रख दिए हैं और तब तक एक्सरसाइज कर लेते हैं। और देखिए स्नान हो गई है हमारी, और इसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, अकेले ही बिना किसी का हेल्प के ही मैं घर को अपने स्वच्छ भी रखती हूँ और ख़ुद को हेल्दी बनाकर रखती हूँ। ऐसे रोज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं जो अकेली रहते हैं, उनके लिए भाई टफ हो जाता है काम करना। तो इसलिए सुबह जल्दी उठने से हमारे सारे काम निपट जाते हैं, तो इसलिए 4 बजे उठती हूँ मैं तो सारे काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, पूजा भी मेरा स्टार्टिंग हो गया है, तो पूजा पाठ कर लेते हैं थोड़ी देर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ रसोई रूम में, सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ, ये देखिए। और ये साड़ी पहनने में ना बहुत ही हल्का लगता है मुझे। रसोई रूम में आ गए हैं और रात का बर्तन अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, नीचे तो सब पोछा लगा दिया था यहाँ का। तो स्नान ध्यान हमारी होने के बाद अभी बना रहे हैं थोड़ी सी चाय, 2 कप चाय बनाएंगे और दोनों प्राणी पियेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चाय बनाते हैं तो हम ही दोनों पीते हैं, अभी बच्चों को देंगे नहीं अभी। तो अभी बच्चों को अभी केला है और चना है, जो कि अंकुरित हमेशा मैं खिलाती रहती हूँ, तो अभी चना ही केला खाएगा। और आदित्य का परीक्षा चल रहा है तो बहुत जल्दी आ जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा वो। तो सोच रही हूँ कि चने और केला खा के जाएगा और 2 घंटे बाद आएगा, तो फिर खाना ही तैयार कर देते हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं दाल चढ़ा रही हूँ और दाल चढ़ाने के बाद चावल चढ़ा देंगी, और बहुत ही सिंपल सा खाना आज बनाने जा रहे हैं, जो कि हम लोग हमेशा हेल्दी खाना ही खाते हैं और हेल्दी खाना हम लोग खूब खाते हैं। भाई कभी कभी ही छना तलक बनाते हैं, वैसे तो आ रही है कल, है क्या कहते हैं,
जितिया करना हाइक है, जो कि हर महिला करती हैं जितिया, जो कि कल अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे। तो आज बाज़ार भी जाना है, सब्जियां लाना है, हरी सब्जियां, और कल क्या क्या बनाना है कल के ही ब्लॉग में, अगले ब्लॉग आएगा तभी देखने को मिलेगा। तो इसके बाद तो नहीं, इसके बाद अलग रहेगा, उसके बाद मैं भेजूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी चावल को धोकर अच्छे से चढ़ा देते हैं, और यहाँ पर भिंडी थी तो भिंडी की भुजिया बना देते हैं। तो देखते हैं, पूछते हैं भुजिया खाएंगे कि इसका सब्जी खाएंगे हस्बैंड जी। दिखाइए चड्डी मैन को, चड्डी मैन के दिखाएं। अभी खोली करना है तकिया में सब। क्या चीज़ बनाते, भिंडी का भुजिया की सब्जी? तो अभी सब्जी बो रहे थे तो तेल डाला मैंने कढ़ाई में, और पचफोरन डाल देंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि पचफोरन है क्या, मतलब डाउट जैसा लगता है कि पचफोरन क्या है, मतलब नहीं जानती होंगे, कहीं कहीं जगह नहीं डलाता होगा तो नहीं डालते होंगे बाकी, लेकिन सभी जगह ये चीज़ डालते हैं। लेकिन हम लोग अलग, हो सकता है कि बोलने में कुछ अलग हो इधर का भाषा और उधर को इसे किसी कुछ और कहा जाता होगा। पांच चीज़ों से बनता है पचफोरन, मैंने पहले के वीडियो में अच्छे से बारीकी से मैंने बताया है, हेडिंग में मैंने यही दिया है, पचफोरन का नाम मैंने दिया है, तो जाकर नीचे देख सकते हैं मेरी वीडियो। और यहाँ पर सूखी सब्जी मैंने तैयार कर दी भिंडी की, तो यहाँ पर चावल बना दिया है, सूखी सब्जी बना दिया है, दाल बना दिया, और कल का जो मैंने पकौड़ा छाना था ना, वो पकौड़ा भी अभी है, तो उसे भी आज खा के ख़त्म कर देंगे। और ये है जो कि प्रोजेक्ट मिला था, आदित्य राज ने बनाया है, यहाँ पर फ्लावर वास है ये, तो यही अपने हाथों से अभी बना रहा था रात में। तो अभी रात का टाइम है और मैं बाज़ार से आ गई हूँ, और अभी मैं आप लोगों को सब्ज़ी दिखा रही हूँ। ये सब्जी यही कल बनेगा, और ये जो नेनुआ है, नेनुआ का बिना तो भाई जितिया अधूरा होता है। तो सारे सामान मैंने, हरी सब्जियाँ, साग हो गया, नेनुआ हो गया, नूनिया का साग भी हो गया। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 9:30 बज गए हैं, अब जा रहे हैं सोने। तो आज सब्जी ले आए, कल है जितिया का नहाए खाए, तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी कल नेटवर्क ना इधर बहुत बिजी चल रहा है, इतना मतलब लो में है ना कि मेरा वीडियो 4-4 घंटा हो जाते हैं, मतलब लोड करने लगती हूँ ना तो 4 घंटा लगता है लोड होने में, इतना स्लो चल रहा है नेट, इतना स्लो चल रहा है। सुबह ठीक रहता है, सुबह जल्दी चल जाता है, लेकिन जब दोपहर होता है उसके बाद कोई वीडियो भेजो ना, इतना नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है इधर ना कि पूछिए मत। फिर कल बहुत रात में गई थी मेरी वीडियो, इसी वजह से 4 घंटा लग गया मुझे, एकदम धीमा धीमा हो रहा था। तो चलिए वीडियो की एंडिंग करते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स।